पाकिस्तान में भी तो दो एक्सट्रीम्स खड़ी हुई हैं। एक पार्टी कहती है कॉलेज यूनिवर्सिटी डिग्री कोई चीज ही नहीं होती, और दूसरी पार्टी इतनी प्रैक्टिकल है, तजर्बा बहुत है, मगर उनको एक इल्मी अंदाज में पेश नहीं करना आता अपना। तो किसी को अपना इल्म नहीं सुनाना आता और किसी के पास इल्म है ही नहीं। आज के बच्चे को एहसास भी नहीं है कि वो जिंदगी के अंदर टेबल पर बैठ के अपने आप को बेचने के लिए ना क्या कुछ नहीं चाहिए। ये जिंदगी के प्रैक्टिकल मैदान में जिस दिन तू कदम रखेगा ना, आटे दाल का भाव पता चल जाएगा ये कायनात क्या होती। पाकिस्तान में भी तो दो एक्सट्रीम्स खड़ी हुई हैं। एक पार्टी कहती है कॉलेज यूनिवर्सिटी डिग्री कोई चीज ही नहीं होती। प्रैक्टिकल कॉम्पोजिशंस के बारे में बात करें आप, प्रैक्टिकल कुंडियां खोलें आप, एक्सपीरियंशियल नॉलेज की बात करें, ये क्या आप किताबें लेके आ गए, ये एक एक्सट्रीम पे खड़े हैं। और दूसरी पार्टी इतनी प्रैक्टिकल है ग्राउंड स्ट्रेटजीज पे, जिंदगी के अंदर उनका एक्सपीरियंशियल फिजिकल एक्सपीरियंसेस उनका इतना खतरनाक है कि इल्म तो उनके पास तजर्बा बहुत है, मगर उनको एक इल्मी अंदाज में पेश नहीं करना आता अपना। सो व्हेन अ प्रैक्टिकल गाय इज टॉकिंग, ही डजंट नो द आर्ट ऑफ यू नो डिलीवरिंग इट टू द वर्ल्ड। जो लफ्जों को जुमलों में रब्त दे के मरबूत करके तकद्दस के साथ जो एहसास की लड़ी को जोड़ के लफ्जों का लिबास पहना के जो इजहार ख्याल होता है ना, इस अदब से बहुत से कलाम आ रही हैं आज के दौर। मैं थोड़ा लिटरल सेंस में बात कर रहा हूँ। तो किसी को अपना इल्म नहीं सुनाना आता और किसी के पास इल्म है ही नहीं। अच्छा, इन दोनों की कश्मकश के अंदर ना आज के बच्चे को एहसास भी नहीं है कि वो जिंदगी के अंदर टेबल पर बैठ के अपने आप को बेचने के लिए ना क्या कुछ नहीं चाहिए होता। इस मीडिया की जिंदगी ने, हमारी बेसिक तरबियत ने, एक माहौल ने अजीब सा बना दिया लोगों को। उन्हें पता ही नहीं है मामा, दे डोंट इवन नो हाउ टू सेल योर, मतलब इट इज सो, ये कैसे समझाएं हम अपने बच्चे कि जिंदगी के प्रैक्टिकल मैदान में जिस दिन तू कदम रखेगा ना, आटे दाल का भाव पता चल जाएगा ये कायनात क्या होती। उधर ना ये ऑक्सफोर्ड, उधर ना अंग्रेजी चलनी है, ना ये डिग्री, इट इज सच अ डिफरेंट बॉल गेम। कि अगर आपने छोटा सा घर बनाना है, छोटी सी जिंदगी बनानी है, छोटी सी सल्तनत बनानी है, छोटा सा खानदान बनाना है, अपना डेटरेंस क्रिएट करना है, अपनी सल्तनत खड़ी करनी है, अपना प्रैक्टिकल रिफॉर्म खड़ा करना है, अपनी सिक्योरिटी खड़ी करनी है, अपने पैशन को हैंडल करना है, अपनी विजन मैनेजमेंट करनी है, टीम मैनेजमेंट करनी है, लोगों को अपना आप बेचना है, उनके खून में अपना विजन उतारना है, उनको अपना बाजू बनाना है, ये समझाएं कैसे हम किसी को कि इसमें तो खून का एक एक कतरा चूस लेती, ये इतनी मुश्किल लाइफ है कि मुझे समझ नहीं आती कभी कभी कि वाई आर पीपल लाफिंग। इसलिए तो एक बंदा हंस रहा था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कहा तुम्हें जन्नत मिल गई है क्या? बोला नहीं, तुम्हें जहन्नम से अजाब से तुम फारग हो गए हो क्या? नहीं। वो तुम हंस क्यों रहे हो? विजनरी लोग, प्रैक्टिकल लोग, वजनी लोग, डेप्थ वाले लोग, प्रोफाउंड प्रोफंडिटी वाले लोग, दकीक रकीक अमीक फकी फहीम डेप्थ वाले लोग, उनकी हंसियां इसलिए छूट जाती हैं क्योंकि जिंदगी इतना कड़वा कूंट है। जिसने कुछ बनाना होता है लाइफ में वो मखलूक ही डिफरेंट है।